जय हिंद दोस्तों। डुमरी उपचुनाव के तहत मतदान की जो प्रक्रिया है वो आज सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखें, उत्क्रमित मध्य विद्यालय छछंदो के प्रांगण में एक बूथ यहां पर है जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। पोलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। साथ में आप अपने स्क्रीन पर देखें तो सुरक्षा का जो यहाँ इंतजाम है वो यहाँ पर देखें, सुरक्षा के लिए जवान यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय छछंदो, इसी के प्रांगण में मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ठीक 7 बजे सुबह शुरू हुई है। सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। पोलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं मतदान कर्मी वो अपने जगह पर मुस्तैदी से अपना काम करते हुए सुबह सुबह की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंचायत में मतदाता जो है फिलहाल अभी उतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लोग यहाँ पर अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, मतदाताओं की प्रतीक्षा में है। हालांकि सुबह सुबह का समय है, मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लेकिन मतदाता जो है वो उस तरह से यहाँ पर अभी बूथ पर उपस्थित नहीं हो पाए। तस्वीर आप देख रहे हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छछंदो के एक बूथ विशेष। धन्यवाद। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया अभी कुछ देर पहले शुरू हुई है। हमारे साथ ग्राम पंचायत छछंदो की मुखिया रूपानी देवी हैं, जिन्होंने अभी अपना मतदान किया है, ये इनसे बात करते हैं। मैडम आपका स्वागत है, सुबह सुबह आपने मत दे दिया है, कैसा लगा आपको, क्या क्या है आपका आधार, किस तरह से आपने मतदान किया है? मतदान हम लोग उम्मीदवार तीन ठो उम्मीदवार में हम लोग जिसका देख करके हम लोग वोट डाले कि ताकि छुटल बढ़ल जो है अब थोड़ा विकास होगा। चलिए, ग्राम पंचायत छछंदो की मुखिया रूपानी देवी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अभी तुरंत मतदान किया है। इन्होंने कहा है कि जो प्रत्याशी मैदान में थे उनमें से जो सबसे अच्छा और योग्य प्रत्याशी इनको लगा है उनके पक्ष में मतदान इन्होंने किया है। और इनका कहना है कि इनका मतदान करने का आधार जो है वो विकास है। इनके अनुसार जो भी उम्मीदवार चुनकर विधायक बनेगा इस विधानसभा क्षेत्र का, उनके नेतृत्व में विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, सबका साथ दिया जाएगा, सबका विकास होगा। इस आधार पर और इसी आशा के साथ मुखिया ग्राम पंचायत छछंदो रूपानी देवी ने अपना मत जो है वो दान कर दिया है। मतदान करने के बाद मुखिया जी तुरंत हमारे साथ यहां पर बाहर आकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। मुखिया जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि मतदान के लिए आपने यहां पर एक पहचान पत्र के तौर पर क्या लाया है? पहचान पत्र जो पर्ची मिलता है, वोटर पर्ची के साथ आई है, आधार कार्ड इनके पास है, तो ये परिचय पत्र ये जो आइडेंटिफिकेशन के लिए होना चाहिए एक मतदाता के पास, वो लेकर मुखिया ग्राम पंचायत छछंदो रूपानी देवी यहाँ पर आई थी। इन्होंने अपना मत किया है और विकास हो इनके अनुसार विकास करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में इन्होंने मतदान किया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छछंदो के एक बूथ विशेष से, जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है लगभग 7 बजे। हालांकि यहां पर मतदाताओं का जो अभी बात किया जाए तो मतदाता यहां पर काफी संख्या में उपस्थित नहीं है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है।